तो भाई लोग, मोस्ट अवेटेड मूवी का मोस्ट अवेटेड टीजर आ चुका है। स्त्री 2 की बात कर रहा हूँ मैं, जिसका एक मिनट का टीजर का भी मैं रिएक्शन करने वाला हूँ। तो पहले इसका ये टीजर देख लेते हैं, उसके बाद ही मैं कुछ बोलूँ तो भाई बेहतर होगा, क्योंकि टीजर से मेरे को बहुत ही ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है। सो लेट स्टार्ट। ओके, ओ स्त्री की इतनी बड़ी स्टैचू, बढ़िया लग रहा है। ओ स्त्री, अच्छा करना, लेजेंड इज बैक। ये तो आ गई सच में। हाय, बैकग्राउंड म्यूजिक बढ़िया लग रहा है। ओ तमन्ना का आइटम नंबर, हाँ कुछ फोटो आए तो थे। ओ बताया, स्ट्रेट टू, हमने आपकी चोटी काट दी थी, गरम तेल की मसाज करेंगे ना तो फट से आ जाएगी वापस। जी हम पलट रहे हैं, हमारे कपड़े मत निकालना प्लीज। फ्रेंड्स हैं, इंडिपेंडेंस डे। तो भाई लोग, जो कोई एक्सपेक्टेशन थी ना इसका, ये टीजर मेरे को बिल्कुल वैसा ही लगा है। टीजर देखकर देखो, बैकग्राउंड स्कोर बढ़िया लग रहा है और स्टोरी का जो हल्का सा हिंट मिलता है ना, वो स्टोरी भी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है। जितने भी मेन लीड्स है सबका आपको हिंट देखने के लिए यहाँ पर मिल जाते हैं कि सभी इस मूवी में होने वाले हैं। बॉलीवुड जब भी कोई सीक्वल बनाता है ना या फिर किसी पुरानी फिल्म का अगला पार्ट लेकर आता है ना यार, तो हमेशा ना पब्लिक के मन में डर लगे रहता है, क्योंकि बॉलीवुड ना लेगेसी को आगे बढ़ा नहीं पाता है। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हमको देखने के लिए मिलते हैं और बहुत ही कम एग्जाम्पल ऐसे देखने के लिए मिलते हैं जहाँ सीक्वल बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। फिलहाल तो ये टीजर मेरे को बढ़िया लग रहा है। अब कहानी अच्छी होगी ना भाई, अच्छे से दिखाया जाएगा ना भाई, तो डेफिनेटली स्त्री 2 ना स्त्री से भी बड़ी हिट फिल्म साबित होने वाली है। तो टीजर तो मेरे को बढ़िया लगा है। 15 अगस्त को यानी कि इंडिपेंडेंस डे के दिन ये मूवी आने वाली है और उस दिन भाई और भी मूवीज आ रही है, यानी कि स्त्री 2 अकेली मूवी नहीं होगी जो 15 अगस्त के दिन आने वाली है। अक्षय कुमार की फिल्म भी एक आ रही है खेल खेल में, इसके अलावा जॉन अब्राहम की फिल्म वेदा भी आ रही है। तो 15 अगस्त के दिन तीन फिल्मों का क्लैश आपको देखने के लिए मिलने वाला है।